TSP's Dinesh Debarma and Sridham Debarma left the Pramotha because they did not get the tickets in the last assembly elections. On Friday, after arriving at the state, former chairman of the Pramotha Maharaja Pradyut Kishore Debarma gives the statement while interacting with media. TSP broke all the ties with the Pramotha on 11th of September. The Pramotha convener Sridham Debarma and Dinesh Debarma has left the Pramotha. They also allegedly spoke against the Pramotha at the press meet organized at Agartala Press Club. Sridham Debarma and Dinesh Debarma say that there is none left other than MLS and MDCs in the party. The Pramotha has cheated on the Prasa people in the name of Greater Tripura Land. The Pramotha has no executive body, no constitution, no supremo, which is why various supporters and some leaders have left the party, say Sridham Debarma and Dinesh Debarma. At last, even if it is late, the Pramotha former chairman Maharaja Pradyut Kishore Debarma finally replied to the allegation. After a long days of pause, and finally after returning at the state, the Pramotha former chairman Maharaja Pradyut Kishore Debarma allegedly said that TSP's Dinesh Debarma and Sridham Debarma left the Pramotha after not getting tickets in the last assembly elections. He said, "The ideology of the Pramotha is not like that of CPIM and BJP. The Pramotha Supremo said that the ideals of the party is to fight for Greater Tripura Land and to achieve the rights of the Prasa." नहीं, सबको अधिकार है नया पार्टी ज्वाइन करने का. मैं उनका भी डेमोक्रेसी में सबको राइट है. लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, दिनेश देवर्मा और श्रीधाम देवर्मा असेंबली के टाइम तिपरा मोथा, क्योंकि दिनेश को टिकट नहीं मिला था रामचंद्र घाट से, तो वो नाराज़ होकर उसी टाइम से तिपरा मोथा में नहीं था. मतलब शुरुआत से ही दिल में ठीक था. नहीं, उनको टिकट नहीं मिला था. टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था. लेकिन हम लोग का फाइट टिकट के लिए नहीं है. हम लोग का फाइट CPM का आइडियोलॉजी नहीं है, BJP का आइडियोलॉजी नहीं है. हम लोगों का जो फाइट है वो तिपरा लैंड का आइडियोलॉजी है. जो हमको हमारा अधिकार देगा वो आइडियोलॉजी है. ये मूवमेंट है. अगर हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब हुआ था तब उसमें आइडियोलॉजी नहीं था, फ्रीडम था. हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं. जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए. टिकट तो मुझे भी नहीं मिला, विजय रांकल को भी नहीं मिला. टिकट नहीं मिलने से अगर आप लोग चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनका अधिकार है. मैं दिनेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा. श्रीधाम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कांग्रेस में हमारे संघ थे. आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट वो भी पार्टी शुरू करना आसान है. पार्टी में पैसा खर्च करके, मेहनत करके काम करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है. लेकिन आई विश देम द बेस्ट. आई होप दे ऑल्सो कीप ऑन फाइटिंग फॉर तिपरा लैंड. अच्छा, वो बगैर और नेक्स्ट टाइम उनको भी बोलिए कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इतना आसान नहीं होता है. अपोजिशन में बैठकर अपने लोगों के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज करके फाइट करें. कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये कहना है कि 2023 तिपरा मोथा का लास्ट फाइट है, तो 2023 खत्म हो गया, तिपरा मोथा का लास्ट फाइट भी खत्म हो गया. क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? तिपरा मोथा इम्पोर्टेंट नहीं है, तिपरा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर हम तिपरा मोथा पार्टी को अपने जाति से सामने रखेंगे तो तिपरा मोथा हो या IPFP हो या कोई भी पार्टी हो नहीं चलेगा. फर्स्ट कीप योर कम्युनिटी इन फ्रंट एंड देन टॉक. और हमारा लास्ट फाइट तब तक रहेगा जब तक मेरे अंदर जान है. इतना जल्दी मैं हारने वाला नहीं हूँ. महाराज वो बोला था वो जो TSP का कैंडिडेट हुआ तो वो उसका रीजन. देखो, अनएजुकेटेड लोग से ज़्यादा डिबेट करने का दरकार नहीं है. आप हमारा ये बहुत अनएजुकेटेड बात है, इसमें आप लोग इम्पोर्टेंस मत दो. आप सिर्फ ये एक चीज़ इम्पोर्टेंस दो. आप लोग मीडिया है, कॉकबरॉक मीडिया है, तिपरा सा लोग हैं. हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है. हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए हम लोगों को राजनीति कम और अपने लोगों के लिए दिल्ली में एक आवाज़ में बात करना है. अलग अलग आवाज़ में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. पहले से हम लोग का दुश्मन बहुत है, तो अपने घर में आग लगाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा. आपको इंडिविजुअली कुछ मिल सकता है, कम्युनिटी को क्या मिलेगा? However, the Pramotha former chairman Maharaja Pradyut Kishore Debarma refused to speak about the leaving of supporters from the party and joining with others. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.